ग्रुप डाटा का मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ को हम एन भी कहते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। ग्रुप डाटा दो तरह से होता है, पहले वो देखते हैं फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, एक डिस्क्रीट ग्रुप डाटा होता है, एक कंटिन्यूस ग्रुप डाटा होता है। डिस्क्रीट ग्रुप डाटा जैसे ये देखें, आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है, हर एक नंबर के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, इसके अगेंस्ट इसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। कंटिन्यूस आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देखें, 65 से लेकर 80 तक ये कंटिन्यूस नंबर्स है ना, हर एक के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई। तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे जो वेट ग्राम्स में लिखा हुआ है ये कंटिन्यूस डाटा लिखा हुआ, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो स्ट्रिंग नंबर हर नंबर के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इसको हम कंटिन्यूस ग्रुप डाटा कहते हैं। मीन ऑफ ग्रुप डाटा किस तरह कैलकुलेट करते हैं? देखिए, मीन का फॉर्मूला बिल्कुल एंड पे देखें, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये सबसे पहले देखना है कि आप एक्स देखें, एक्स अगर है तो ठीक है, अदरवाइज फाइंड करें। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, आपने केबल के अंदर अगर एक्स है तो ठीक है, एक्स नहीं है तो कैलकुलेट करें। ठीक है, एक्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद एफ सारों को जमा करें, एफ सारों को जमा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा या समीशन एफ मिल जाएगा। ठीक है, एक एफ एक्स का कॉलम ड्रॉ करें, उसके अंदर एफ इंटू एक्स, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और एफ एक्स में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको नीचे ऐड कर दें और फिर इस फॉर्मूले के अंदर डाल दें। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट द मीन ऑफ ये डाटा जो मैंने इसका मीन कैलकुलेट करें। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, छोटे वाली वैल्यू जैसे देखा सबसे पहले वाले 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, 65 और 84 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 क्या, तो हमारे पास 74.5 है। मिड पॉइंट निकालिए सारे, इसी तरह सबसे एंड पे देखिए, 185 प्लस 204 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 194.5 हुआ। सारों का क्या कर दिए, मिड पॉइंट निकाल दी। जब मिड पॉइंट निकाल दी तो अगला हम काम क्या करेंगे, एन की वैल्यू यानी कि टोटल नंबर कितने, एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, समीशन एफ से जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारा को ऐड करेंगे तो हमें एन मिल जाएगा। एन मिल गया, एन इज इक्वल टू 60 आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स फाइंड करना, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले नंबर को देखें, एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट जो है 74.5 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 670.5। ठीक है, इस तरह सबसे एंड के ऊपर 194.5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 972.5 बनता है। सारों को मल्टीप्लाई कर लिए, और क्या करना, समीशन एफ एक्स फाइंड करना, एफ एक्स वाले कॉलम के सारों को एंड पे क्या कर दिए, ऐड कर, और समीशन एफ एक्स भी आ गया, समीशन एफ भी आ गया, जिनको वैल्यू फॉर्मूले के अंदर डाला, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली है, 7350, और समीशन एफ की वैल्यू क्या निकली है, 60। 7350 को 60 पे डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या हुई, 122.5। ये ग्राम्स हमने कहां से उठाया, तो शुरू में डाटा गिवन था यानी ना वेट इन ग्राम्स, तो हमने जो हमारा एवरेज निकला उसको भी हम ग्राम्स में ही कहें। वेट ऑफ मीन, एक और एग्जांपल करते हैं इसे ही, देखें 10 से 12 तक, 13 से 15 तक सारी वैल्यूज गिवन है इसके मीन एफ है ना, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, एक्स फाइंड किया, 10 और 12 की एवरेज 11 बनती है, 13 और 15 की 14, 16 और 18 की 17, 19 और 21 की 20 एवरेज बनती है। ठीक है, एफ इंटू एक्स फाइंड कर लिया, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करती सारा को नीचे ऐड कर दिया, समीशन एफ एक्स निकाल लिया है ना, एफ इंटू एक्स जैसे 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। इस तरह सबसे नीचे 14 को 20 से मल्टीप्लाई करो 280 आ, समीशन एफ हमारे पास 50 निकल आया, जिसको हम एन भी कह सकते हैं। समीशन एफ एक्स 832 निकल आया, 832 डिवाइडेड बाय ठीक है 16.44 हमारा मीन आ।
मीन के टोटल फॉर्मूले ही है ना, मीन को कैलकुलेट करने के पॉसिबल से सारे फॉर्मूले। अगर एन ग्रुप डाटा हो तो समीशन एक्स ओवर एन, या अगर ग्रुप डाटा हो तो समीशन एफ एक्स ओवर एन, ठीक है। अगर डी की वैल्यू डेविएशन पता हो तो हम क्या करते हैं, जिस वैल्यू से डेविएट किया गया माइनस ए निकाला गया वो वन ए प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर स्टेप डेविएशन मेथड, हमारे पास स्टेप डेविएशन पता हो, एक्स अपॉन माइनस ए ओवर एच पता हो, उसके लिए हम क्या करते हैं ए प्लस न्यू मल्टीप्लाई बाय एच ओवर एन, ठीक है। ग्रुप डाटा के लिए ए प्लस एफ इंटू रूट मल्टीप्लाई बाय एच ओवर एन से फाइंड करते हैं। एन क्या है, समीशन एफ के इक्वल है।